तमिलनाडु के तंजावुर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर मंदिर से जुलूस निकालने के दौरान करंट फैलने से 12 लोगों की मौत हो गई है। एक मंदिर से रथ जुलूस निकाला जा रहा था, जिस वक्त यह हादसा हुआ रथ बिजली के तारों के संपर्क में आ गया था, जिसके बाद यहां पर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। तमिलनाडु में आज सुबह एक भीषण और दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। तंजावुर के एक मंदिर में जुलूस के दौरान करंट फैलने से 12 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मंदिर से रथ निकाला जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। रथ बिजली के तार के संपर्क में आ गया था, इसके साथ ही वहां चीख पुकार और भगदड़ मच गई। पुलिस के अनुसार हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार सुबह प्रत्येक मृतक के साथ आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख की घोषणा की। बताया जा रहा है कि मंदिर में 94वां अपर गुरु पूजा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा था। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। सड़कों पर पारंपरिक रथ यात्रा के दौरान एक बिजली का तार एक कार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, तमिलनाडु के तंजावुर में हुए हादसे से गहरा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। साथ ही घायलों को भी पीएम राहत कोष में 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि लाइव वायर के संपर्क में आने से रथ पूरी तरह से खराब हो गया है। यहाँ बता दें कि हर साल तमिलनाडु में वार्षिक रथ उत्सव में बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।